हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। टुडे इस ए ब्यूटीफुल संडे, इसलिए हम लोग ने सोचा कि डूरी को लेके आउटडोर एक्टिविटी कुछ करेगा, इसलिए हम लोग घूमने निकल गया एंड वी हैव रीच जुकू वैली। नो आई एम जस्ट किडिंग गाइस, जुकू वैली में नहीं है, हम लोग डिमाहासाओ डिस्ट्रिक्ट में ही है। और ये सुंदर सा जगह डिमाहासाओ डिस्ट्रिक्ट में कहाँ में है, आसाम में, अगर आपको मालूम करना है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, व्लॉग को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि यू नो व्हाट, डिफिकल्ट रोड लीड्स टू ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन। आई डोंट नो इफ दैट्स करेक्ट, लेकिन ऐसा ही कुछ मैंने एक बार सुना था, पढ़ा था, एंड इट वॉज करेक्ट टूडे, बिकॉज ये सुंदर सा जगह पहुँचने के लिए 2 घंटा से ज़्यादा हम लोग को एकदम डिफिकल्ट रोड को पार करके आना पड़ा। तो चलो लेट्स गो बैक, लेट्स शो यू आवर जर्नी। तो आज हम लोग जा रहे हैं इंदुंगलो विलेज में। इंदुंगलो विलेज जो है ये एक जेमिनागा विलेज है इन डिमाहासाओ डिस्ट्रिक्ट, और ये जो बस्ती है ये हाफलोंग टाउन से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन क्योंकि रास्ता इतना ठीक नहीं है इसलिए हाफलोंग टाउन से करीबन 2 घंटा जैसा लग गया। मैंने सोचा कि आज आप लोग को थोड़ा जर्नी को भी दिखाएगा, इसलिए बहुत लंबा वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। हम सोचा कि जैसे मोटो व्लॉग्स होता है जिसमें आपको एक फील मिलता है वो जर्नी का, आज ये बोलेरो व्लॉग आप लोग को दिखाएगा, क्योंकि ये बोलेरो गाड़ी में हम लोग ने ये सफ़र किया आज। एंड उसको थोड़ा एक्साइटिंग करने के लिए चलो एक साउंड ट्रैक लगा देता है। दिस सॉन्ग इज कॉल्ड रोड बनाओ बाय ए बैंड फ्रॉम हाफलोंग कॉल्ड बिग माउथ स्मॉल फुट। तो ये गाना भी आप लोग थोड़ा सुन लो और ये जर्नी का भी मज़ा ले लो, और ये बैंड को भी बाद में आप लोग सपोर्ट कर लो, थोड़ा लाइक शेयर कर लो। आ तो गया, हम लोगों ने मालूम तो नहीं रहा कि ऐसा होगा रास्ता। इधर से अगर गया उधर किसे उठेगा, उधर उठाने में तकलीफ होगा रे। ओए रेखा, ओए ए बेबो, ये तो बंद ही है रे। ओए 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 ओए, व्हाट टू डू? आई थिंक वी कैन वॉक। टाइम कितना हुआ अभी? नहीं उसको हमारा डाउट है, मतलब क्योंकि देयर इज क्वाइट अपना कोई है, इधर में तो जैसे तैसे चला जाएगा, उधर उठने का मुश्किल होगा। ये गाड़ी से इसको पार करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज दिस इज क्वाइट एन ओल्ड कार और इट ऑल्सो नीडेड क्वाइट रिपेयर्स। आज एक्चुअली सोचा नहीं था कि ऐसा रास्ता का हालत है, नहीं तो दूसरा गाड़ी भाड़ा करके लेके आता रहा 4x4।
Yaozang Remma Nangma. We are going Arya Par. अगर फंसा तो हमें चार पांच लोग हैं, वो लोग हम लोग को ठेल के निकालने के लिए आया होगा, भगवान से भेजा होगा, बट हो जाएगा। चलो I would not recommend it to anyone अभी right now, लेकिन हम खुद ये risk लिया क्योंकि आया है तो दिखाना है, और सब तो 4x4 गाड़ी से आएगा नहीं, सब तो इनफैक्ट कोई तो बोलेरो लेके भी नहीं आएगा, बट दिखाया है। I took the risk, but नहीं लेना है ये, I would not recommend it, हमको भी नहीं लेना था। ट्रैफिक पुलिस आई के बाइक का चाबी लेके चल जाता, रोड का पत्थर इतना जल्दी निकल जाता, ऑटो में बैठने से तो मसाज भी हो जाता, सब कब समझेगा रोड कब बनेगा, सब कब समझेगा रोड कब बनेगा, सब कब समझेगा रोड कब बनेगा, बनते बनते हम चुल्ली सब हो जाएगा। Finally, it's worth the visit. Bro, it was so good. What will you make from this? Longkai. Kara, kara. Dikangra. Dikangra, na? Okay, you guys have come to see us. Let's go.
पत्ता भी इधर का? पत्ता तो बाजार से लिया ना? पत्ता बाजार से लिया? ओ अच्छा अच्छा, हम सोचा पत्ता इधर का है बोल के। हम लोग तो मालूम नहीं, लेकिन हम लोग जेमी लोग ना लगता साहब को पामे ज्यादा स्वीट पामे बोलता बोलो फोर फादर से। प्राइम को भी पूछो थोड़ा डैमेज खा लिया, बेंट हो गया। थैंक यू डूरी। So even though this place is amazingly beautiful, लेकिन हम लोग को निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी 4 बज चुका है, 4:18, and it will get dark very soon. We did not anticipate the road to be so bad, so इसलिए हम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा before it gets dark. Don't want to take any chances कि गाड़ी कोई जगह में फंस जाए, नदी भी एक क्रॉस करना है. But this is an amazing place. So, क्या हुआ? बच्चा है ना ऐसे क्या जो ही फाइंड इट फनी बनने, एक तो वीडियो बनाओ ना इसका रील। So this is like Zuku Valley of Dimahasao. It looks like Zuku Valley, this area. So Indunglo, we'll see you again. We'll come here soon, most probably with 4x4 vehicle. Thank you for giving us this wonderful time. तो इसके बाद मैंने सोचा आप लोग को यहाँ का एक अच्छा सा ड्रोन शॉट दिखाऊँ, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया. आई वॉज नॉट यूजिंग माई फोन वाइल फ्लाइंग द ड्रोन, सो ब्लर हो गया, फोकस में नहीं था ये वीडियो. बट जस्ट वॉन्टेड टू शो यू एन एरियल व्यू ऑफ दिस प्लेस. सो क्वालिटी इतना हाई नहीं है, बट आई होप यू एन्जॉय. इंदुंगलो का गांव बुरा को थोड़ा मिल लेगा सोचता है. ओ हफलोंग में है? हफलोंग में क्या असिस्टेंट कौन है? आप लोग बस्ती में आया रहा खेलो तो थोड़ा घूमने आया रहा. वही जो सुंदर वाला जगह है ना, क्या नाम बोलता है ठुका? तो ऐसे हम लोग तो तिला का नाम तो रखा ही नहीं, ऐसे नहीं रखा ना. जब से रोड ने आया तब से तो ऐसे हम लोग तो पहाड़ ऐसे नाम तो रखा भी नहीं रखा ना. अच्छा अच्छा. तो बस्ती में कितना घर है अभी? अभी हम 25 है. 25 घर? अच्छा. ज़्यादातर यहाँ में तो झूम करता? हाँ. अच्छा. कम ही ज़्यादातर करता है. झूम में क्या क्या चीज़ ज़्यादा झूम करता? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा धान लगाते हैं. धान लगाता? हाँ. अच्छा. और छोटा मोटो मरचा का बगान भी करता है, मिठाला उपला सब्जी, सारा सब्जी भी छोटा मोटा लगाता है. तब भी ज़्यादा से ज़्यादा धान लगाता है. धान अपना लेना? हाँ, तो अपना ले. हाँ
हम तो हाफलोंग का एमएससी है, डेनियल लांगथासा। हम तो ऐसे ही जहाँ जहाँ जाता थोड़ा वीडियो भी बनाता, इसलिए थोड़ा एक तो वीडियो भी बना रहा है इधर का। यहाँ में अभी इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है ना, करेंट तो नहीं है ना, सोलर यूज करता। क्या क्या कर लेगा लोगों? अभी दान करने के लिए पूजा कर रहे हैं। दान कर ले? अभी न्यू साल होगा। ओह, इतना मतलब पूजा करते हैं ना? हाँ, अभी पूजा करके खत्म, आज में पूजा करा, कल से तो काटने शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो चावल भी खा सकता है बिजन लाकर। अच्छा अच्छा, जब तक पूजा नहीं होगा तब तक तो नहीं काटते है। अच्छा अच्छा, आज पूजा के बाद कल से धान कुटकी खाने से आएगा ना? तो मतलब इस साल जब लगाया वो धान तो कल में काट के फिर कुटकी भी खा सकते है। अच्छा, पूजा तो कितना दिन होता है? एक दिन, आज ही है खाली ना, आज होने से हो गया ना। नाम क्या है तो पूजा का? ककुलम्बे। हाँ, ककुलम्बे। ककुलम्बे, ककुलम्बे। अच्छा, तो ये पूजा करने के बाद अभी धान को कूटने सहेगा, खाने सकेगा ना? कल शुरू होगा। थैंक यू। हाँ, हम लोग कहाँ से आए के? थैंक यू, थैंक यू। आपको तो जानता है, आगे से आपको नहीं जानता ना। पामे भाई का घर में चाय पिलाते हम लोग को, चाय और जू भी है। जू को क्या बोलता रहा? जाओ, जाओ, जू, आप लोग जाओ। तो चाय भी पीते हैं और साथ में जाओ भी पीते हैं। जाओ हो गया ये राइस बियर। तो भाई इधर में जो है एक तो पामे है, तो बहुत लोग को मालूम नहीं होगा कि जेमी नागा में लांगथासा जो टाइटल होता है डिमासा में, जेमी में एक्चुअली लांगथासा को वो लोग पामे मानता है। तो पामे और लांगथासा भाई भाई जैसा है। सो ये इन्फॉर्मेशन जो जो लांगथासा है जो मालूम नहीं होगा वो लोग को हम देने मांगा। और एक चीज़ मालूम हुआ है, डिमासा में जो जो का टाइटल कैंप्राय है वो लोग कुआमे है। तो जेमी भाई लोगों को साथ में कैंप्राय को कुआमे बोलने से मालूम होगा। सो लांगथासा इज पामे, कैंप्राय इज कुआमे। हो गया, हो गया, थैंक यू। सो ये जो बस्ती है इंदुंगलो, इट्स ए ब्यूटीफुल विलेज, आप लोग देख सकता है इन द मिड्स ऑफ नेचर। तो गाँव वाला लोग के साथ बात करके मालूम हुआ कि अभी देर आर अराउंड 25 हाउसेस इन दिस विलेज। एक्चुअली अराउंड 50 हाउसेस होना चाहिए था, बट इन द रीसेंट पास मेनी पीपल हैव मूव्ड आउट टू नियर बाई टाउन्स एंड मोस्टली हाफलोंग में जाके मोस्ट पीपल हैव गॉन एंड सेटल डाउन देयर। तो यहाँ में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा है, सो मोस्टली सोलर का इस्तेमाल करता है। पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ में, जो नदी है वो थोड़ा दूर है, तो इसलिए थोड़ा कुआ तो है गांव में लेकिन कभी कभी एनफ नहीं होता है, स्पेशली विंटर सीजन में। सो पानी का प्रॉब्लम है वो लोग बोल रहा है। एंड स्कूल्स तो है यहाँ में, LP स्कूल है, एक ME स्कूल है। ME स्कूल में एक रूम एक्सटेंशन हो रहा है दिस ईयर। हाई स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नेबरिंग बस्ती में है, लेकिन नेबरिंग बस्ती भी काफ़ी दूर है इधर से, रोड तो आप लोग ने देखा ही है। सो हाँ, और रोड का ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, लेकिन ये रोड इन द लास्ट 3 इयर्स ही एक्चुअली ये रोड बनाने का शुरू किया है। यहाँ में मोस्टली आदमी लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और झूम कल्टिवेशन करता है। बेसिकली झूम कल्टिवेशन में वो लोग ज़्यादा राइस उगाता है, चावल उगाता है, बट देर इज़ मोस्टली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के लिए, सेलिंग इतना नहीं करता है। और सब्जी भी थोड़ा उगाता है, चिली बहुत उगाता है, बट देट इज़ ऑल्सो मोस्टली फॉर देयर ओन सस्टेनेंस। हाँ, कभी कभी चिली भी सेल करता है। सो ये वो लोग के साथ में बात करके हमको थोड़ा आइडिया मिला, बट ऑफकोर्स यू नो आई हैव टू स्पेंड मोर टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। बट द मेजर कंसर्न मैंने जो फील किया इज़ दैट कि पीपल मूविंग आउट, एंड देट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ lack of economic opportunities. So even though mostly यहाँ में एक सेल्फ सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, विच इज़ ग्रेट, बहुत अच्छा है ये सेल्फ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो यहाँ में फ़ोन का मेमोरी फुल हो गया था एंड वी कुड नॉट शूट एनी मोर। उसके बाद हाफलोंग पहुँचते पहुँचते और 2 घंटा जैसा लग गया, एंड राइट नाउ इट इज़
अभी एडिट करके ख़त्म हुआ है. सो लास्ट में जस्ट वही कहना चाहता हूँ कि इंदुंगलो इज़ ए ब्यूटिफुल विलेज, वुड लव टू गो बैक देयर अगेन. बट हाँ, आप लोग भी अगर जाने को प्लान कर रहा है तो यू नो एक अच्छा वाला गाड़ी चाहिए, प्रेफरेबली 4x4. अभी तो विंटर सीजन है बोल के इसलिए हम लोग जा सका, बट यू नो यहाँ में रेन तो अनप्रेडिक्टेबल है, एनी टाइम बारिश दे सकता है. बारिश दे दिया तो मतलब फंस जाएगा, मतलब 4x4 ही लाएगा, और 4x4 भी बहुत चैलेंजिंग होगा बिकॉज बहुत कहीं जगह में बहुत स्टीप है रोड. सो मेक श्योर इफ़ यू प्लान टू गो तो थोड़ा अच्छा वाला गाड़ी लेके जाने के लिए. बट अदरवाइज इंदुंगलो इज़ ए ब्यूटिफुल विलेज एंड ब्यूटिफुल पीपल लिविंग देयर. एक ही थोड़ा कंसर्न था कि यू नो बस्ती वाला लोग से बात करके मालूम हुआ कि सो मेनी पीपल हैव मूव्ड आउट इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. यू नो अगर सरकार के तरफ से कुछ जल्दी एक इंटरवेंशन हो जिससे पीपल कैन लिव, पीपल हु आर लिविंग देयर कैन अर्न ए गुड लिविंग, तो आई थिंक पीपल वुड स्टे देयर एंड नॉट मूव आउट. यू नो आई थिंक इन दिस रिगार्ड वी कैन ऑल पुल इन एंड हेल्प ईच अदर. So yes, that's it for tonight. Thank you for watching the vlog and I'll see you tomorrow.